अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आप सब कैसे हैं? और आज हम आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह पे लेके जा रहे हैं। हमेशा की तरह आपको ज़बरदस्त जगह दिखाते हैं और आज की जगह जो है वो बहुत ही लाजवाब है। और इस ब्लॉग शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कौन सा प्लेस है और कितना प्यारा है। ये आपने अंदाज़ा लगाना है, मेरा काम है आपको दिखाना। और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। और फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है जगह। और ये है एक चर्च और मैं आपको दिखाऊं फ्रंट का कैमरा ऑन करके। और ये है चर्च, वो देखें यहाँ पर कितना ख़ूबसूरत बनाया गया है स्टार की शेप में। और मैं इसको पूरा दिखाऊंगा, आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। और अभी तो मैं यहां से बाहर ही घूम रहा हूं और इसका इंटर कहां से है और गेट कहां से है पता नहीं है मुझे भी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहां से जाना है। और अभी जो है इसका मेरे ख्याल से काम जारी है, काम हो रहा है यहाँ पर ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये खुला है या शायद नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। और ये इसकी एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेजा दी अंतोनी और संतीनो अंतोनियो दी पुलाना। और ये मेरे ख्याल से इसकी बुनियाद रखी थी 1962। ये पता नहीं क्या है, मुझे इसका आगे नहीं मज़ीद मालूम क्या है ये लिखा हुआ। और ये जो है ये बंद है तो मज़ीद हम नहीं जा सकते अंदर, और इसका काम भी हो रहा है ऊपर से। तो अभी मैं एक और है आपको बहुत ही ज़बरदस्त है वो दिखाता हूँ चल के। यहाँ पे तो हम नहीं पहुँच पाए और ना ही ये ओपन है, खुला हुआ नहीं है। तो हम चलते हैं दूसरे की तरफ। और ये तो है बंद, हम चलते हैं और आपको दिखाएँगे दूसरा, और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरत भी है। तो चले मैं आपको वही दिखाता हूँ। और फाइनली हम पहुंच आए हैं एक ज़बरदस्त खूबसूरत चर्च के ऊपर। और चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं और आगे। और यहां पे है उसका इंटर और मैं आपको ये है सामने इसका गेट, यहां से इंटर होता है। तो चले मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूं। ये तो ओपन है, यहां पे खुला हुआ भी है तो अंदर हम ईज़िली जा सकते हैं। अंदर खामोशी होती है, चुप करके हम देख सकते हैं। वहाँ पे इबादत हो रही है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, और यहाँ से हम चुपके से बना लेंगे वीडियो। और ये देखें यहाँ पे ये लोग बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे इबादत कर रहे हैं, इसीलिए हम आगे ज़्यादा नहीं जा सकते और ना ही ज़्यादा शोर से बात कर सकते हैं। और ये सामने उसका क्रॉस लगा हुआ है सामने, और यहाँ पर इबादत करते हैं। तो ये था खूबसूरत चर्च और इसके अप डाउन दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं, देखिए ऊपर भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, तो वापस चलते हैं। और बैक साइड भी ये है, और ये था जी हमारा आज का चर्च हमने जो आपको दिखाया है। और अभी हम चलते हैं। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।